भारत ने मारी 75 सालों की सबसे बड़ी छलांग। देखता रह गया अमेरिका, भारत एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में घुसा। अमेरिका, इसराइल, तुर्की एक तरफ, भारत तीनों पर अकेला पड़ा भारी। टेक्नोलॉजी साझा ना करना पड़ा दो देशों को भारी। अब आकर पैरों में गिरे। L&T ने कर दिया कमाल, टाटा को पछाड़ने के चक्कर में बना डाला खतरनाक हथियार। टाटा के सुसाइड बॉम्बर के बाद दुश्मनों पर L&T ने भी मारा बम्पर हथौड़ा। दोस्तों, डिफेंस क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये चीज सच में काबिले तारीफ है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक बड़ा कदम ये है कि भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने ही देश में हथियार बनाने पर जोर दे रहा है। इस समय भारत का साथ जमकर टाटा और L&T ने देने का फैसला कर लिया, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर जिस तरीके से L&T की तरफ से काम किया गया है, उसको देखकर इसराइल और तुर्की सदमे में चले गए। यहाँ पर भारत की तरफ से एक ऐसे हथियार का निर्माण कर लिया गया है जिसको देखकर हमारे पड़ोसी दुश्मनों की सांसें हलक में फंस चुकी है। एक समय ऐसा था जब भारत इसराइल और तुर्की जैसे देशों से हथियार बनाने के लिए उनसे टेक्नोलॉजी साझा करने की बात कहता था, लेकिन उनकी तरफ से भारत को नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन यहां पर भारत ने अपनी प्राइवेट कंपनियों का सहारा लिया और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इतने बड़े बड़े हथियारों का आविष्कार कर लिया कि यहां पर इसराइल और तुर्की अपना अपना सर पकड़कर बैठ चुके हैं। अमेरिका समेत कई बड़े देशों को भारत ने अपने कारनामों से अपना गुलाम बना लिया है, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है वो बड़े बड़े देश अब तक नहीं बना पाए हैं। भारत ने एक ऐसा हथियार का निर्माण कर लिया है जिसके माध्यम से भारत अपने दुश्मनों को धूल चटा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत ने ऐसे कौन से हथियार का आविष्कार कर लिया है जो दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, एक समय था जब लोग तलवार लेकर लड़ा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ लड़ने का तरीका भी बदलता गया। एक समय में तीर और तलवार से किए जाने वाला युद्ध बदलकर बंदूक और तोपों से लड़ा जाने लगा, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जन्म होता गया, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी निकल कर सामने आती रही, और लोग अपने लड़ने के तरीके को भी एडवांस करते रहे, और बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का भी निर्माण कर लिया। और आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोगों के पास न्यूक्लियर मिसाइल और हाइड्रोजन बम जैसी चीजें मौजूद हैं, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लेजर गन, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट जैसी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। भारत अपने देश की सीमा को मजबूत करने के लिए अपना डिफेंस बजट हर साल बढ़ाता है, और अपने देश की सीमा को मजबूत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। भारत सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि उन्हें अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना है, तो उन्हें अपने देश के डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूत करके रखना होगा, और इसी का कारण है कि 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए का था। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि भारत अपने देश के डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। हर साल लाखों करोड़ रुपए बजट के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, और जिस तरीके से चीजों की कमी को देखते हुए अब सरकार ये चाहती है कि हमारे डिफेंस में कुछ प्राइवेट प्लेयरों की भी एंट्री होनी चाहिए, जिसमें शामिल है टाटा और L&T। इन प्राइवेट कंपनियों के पास ना ही पैसों की कमी होती है और ना ही स्किल लेबर की। इसी की सहायता से भारत अपने आप को काफी ज्यादा आगे पहुंचा सकता है। दोस्तों, जब भारत की मदद करने के लिए भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा निकलकर सामने आई, तो उसकी देखा देखी L&T कहां पीछे रहने वालों में से थी, और L&T की तरफ से कुछ ऐसा काम कर दिया गया है जिससे आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं कि भारत को आज भी UAV के मामलों में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहीं बात करें US के MQ-9 और तुर्की के TB2 ड्रोन के बारे में, जो आज की तारीख में विश्व भर में काफी सफल ड्रोन होने का खिताब हासिल कर चुके हैं। भारत ने इसको लेकर कई बड़े देशों से बात करने की कोशिश की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, तो भारत की इस बात को नकार दिया गया, और भारत को इसराइल जैसे देश काफी हल्के में लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर भारत की कंपनी की तरफ से एक ऐसे ड्रोन के बारे में जानकारी साझा की गई है जिसको सुनकर इन सभी देशों के होश उड़ चुके हैं। यहाँ पर भारत का ये ड्रोन कुछ घंटों के लिए हवा में नहीं रह सकता, बल्कि कई दिनों तक भारत का ये ड्रोन हवा में रह सकता है। इसके बारे में बताया गया कि ये 72 घंटों तक हवा में रहकर अपने दुश्मनों के ऊपर निगरानी कर सकता है। जिस तरीके की खबर निकल कर आ रही है, अगर ये बात सच साबित होती है
तो यहां पर दुनिया भर में भारत के ड्रोन की चर्चा होने वाली है। MQ-9 जो कि 40 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, वहीं TB-2 ड्रोन 27 घंटे तक आसमान में रहने की क्षमता अपने पास रखता है। लेकिन भारत के ड्रोन के बारे में जब बात निकल कर आती है तो ये दोनों देश भी भारत के ऊपर अपनी निगाहें टिका लेते हैं, और जो ड्रोन भारत के LNT द्वारा निर्मित किया जा रहा है और उस ड्रोन के बारे में जो बात निकल कर आ रही है जिसमें ये 3 दिनों तक आसमान में रहकर अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखने का काम कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस ये ड्रोन दिनों रात में देख लेने वाले कैमरों के साथ आएगा। इसके अलावा टारगेट को हिट करने के लिए ये अपने हाई ट्रैकिंग वाले रडार का इस्तेमाल करेगा। ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ के अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आएगा, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में फैसला लेने में मदद होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2022 के डिफेंस एक्सपो में LNT के द्वारा ये UAV प्रदर्शित किया गया था, और ऑफिशियल्स के मुताबिक UAV डिफेंस फोर्स इसके द्वारा पूरे तरीके से ट्रायल के लिए तैयार है। और इसके बारे में मिलता है कि ये 4 घंटे की उड़ान में 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 40 किलो सामान अपने साथ 3000 मीटर तक ले जा सकता है। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि LNT को ड्रोन का इंजन बनाने में अभी इतनी महारत हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी अच्छी खासियत नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन DRDO की तरफ से ड्रोन के इंजन पर अभी भी काम किया जा रहा है, और जैसे ही DRDO की तरफ से एक खतरनाक इंजन का निर्माण कर लिया जाएगा, वैसे ही भारत अपना खुद का खतरनाक ड्रोन बना सकता है, जिसके आगे दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकेगा। इसके अलावा भी LNT भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक काम करने वाली है, और इसके अंतर्गत LNT एयर टैक्सी का निर्माण कर रही है। इस एयर टैक्सी का निर्माण हो जाने के बाद इसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से उड़कर जा सकते हैं। सुनने में भले ही ये काल्पनिक लगे, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में LNT ने शपथ ली है कि वो इसको बनाकर ही रहेगी। इसके अलावा LNT एक US कंपनी जॉइंट एयर मोबिलिटी के साथ $100 मिलियन की एक डील साइन कर चुकी है। इसको बनाने के लिए कनाडा में एक रिसर्च सेंटर खोला जाने वाला है, जिस पर LNT और US की कंपनी जॉइंट एयर मोबिलिटी अपनी एयर टैक्सी के लिए रिसर्च का काम करेगी। और बताया जा रहा है कि ये रिसर्च पूरी हो जाने के बाद LNT इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में खोलने वाली है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये एक चार्ज में 110 किलोमीटर एक साथ 4 लोगों को ले जाने में सक्षम होगी। इसके अलावा एयर टैक्सी का इस्तेमाल मिलिट्री मिशन और एयर एम्बुलेंस के तरह भी भारत में किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि US में जो इस तरह की ऊपर एक्स चलती है, वो हर व्यक्ति से 20 मिनट के लिए $355 चार्ज करती है। लेकिन एयर टैक्सी को लेकर बताया जा रहा है कि भारत में इसका निर्माण होने के बाद ये 20 मिनट लोगों को घुमाने का $50 से भी कम चार्ज करेगी। वैसे आप इसको लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।